नमस्कार, एमेचोर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश यहाँ डर लगता है। बचपन से आपने भूत प्रेत आत्माओं की कई कहानियां सुनी होंगी, कई लोगों ने सच्चे किस्से सुनाने का भी दावा किया होगा। आप किस्से कहानियों का सच्चाई मानकर उसको स्वीकार भी कर सकते हैं और भ्रम मानकर उसे नकार भी सकते हैं। भूत प्रेत के होने का कोई पुख्ता प्रमाण नहीं है, लेकिन कई ऐसी कहानियां और किस्से हैं जो खौफनाक हैं। ऐसी ही कई किस्सों और कहानियों को शिमला की वादियां समेटे हुए हैं। शिमला यूं तो बेहद खूबसूरत और सैलानियों की पसंदीदा जगह है, बेहद शांत और सुंदर है, लेकिन यहाँ के लोगों में भूत और आत्माओं का खौफ जरूर रहता है और उसकी वजह है यहाँ भूत प्रेत के बारे में प्रचलित कहानियां। शिमला के आसपास कई जगह खौफनाक हैं, जहाँ रात के अंधेरे में जाने से लोग डर जाते हैं। शिमला शहर की खूबसूरती का वाकई कोई मुकाबला नहीं। सैलानियों के लिए मानो स्वर्ग है शिमला। शिमला में घूमना फिरना हर किसी को पसंद है। यहाँ का मौसम, यहाँ का माहौल हर किसी को पसंद है, यानी कह सकते हैं शिमला में सब आपका पीछा करता है या मुझे डर लगता है, तो कुछ लोग उस पर यकीन करेंगे और हो सकता है कुछ लोग यकीन ना भी करें। लेकिन शिमला में ऐसा किस्सा कई लोगों से सुना जाता है कि एक ब्रिटिश अधिकारी का भूत अब भी रात के अंधेरे में समर हिल की सैर पर निकलता है। यहां कई लोग एक महिला की आत्मा दिखने का भी दावा करते हैं। अलग अलग तरह की खौफनाक कहानियां यहां की किस्सा गोई का हिस्सा हो गई हैं। भूत
प्रीत, चुड़ैल, आत्मा, इन सब पर आप यकीन करते हो या ना करते हो, लेकिन शिमला में कई लोगों का दावा है कि उन्होंने भूत को देखा है। उनका सामना चुड़ैल से हुआ है। किसी साई ने उनका पीछा किया है। शिमला जितनी खूबसूरत जगह है उतनी ही खौफनाक भी है। शाम गहराने पर एक खामोश सन्नाटा पूरे इलाके को अपनी आगोश में ले लेता है और बस वहां पसर जाता है खौफ। शिमला में वो खौफनाक इलाका है रीच एंड स्कैंडल पॉइंट। स्कैंडल पॉइंट शिमला में खौफ की कहानियों का सालों से हिस्सेदार रहा है और इसकी वजह है कि एक फिरंगे की वर्दी में घोड़े पर सवार होकर रात के अंधेरे में समर हिल की सैर के लिए निकलने वाला भूत। इस घोड़े के चलने की थाप अब भी सुनाई देती है जो सन्नाटे को तोड़ देती है। और उस आवाज के साथ खौफ पसर जाता है। यहां सालों से इस भूत की कहानी सुनाई जाती है, हालांकि कोई नहीं जानता कि इस अंग्रेजी भूत का राज क्या है, लेकिन हर कोई इस भूत के डर से रात के अंधेरे में स्कैंडल पॉइंट की तरफ जाने से हिचकिचाता है। मेरा नाम करणंदा है और मैं यहीं का निवासी हूँ। मेरे पुश्तैनी परिवार यहीं पे है, जाखू में रहता है। जो आपका शिमला शहर है ये पहले से ही हॉन्टेड शहर के रूप में माना जाता है और यहाँ पे पहले ही बोलते हैं कि भूतिया प्रभाव पहले रहता था। हमारे बाप दादाओं ने भी हमें दो तीन चीज़ें सुनाई थी इसका इसके बारे में कि पहले यहाँ पे जो ये होता था एरिया जिसका नाम आपका फॉरेस्ट रोड है, वहाँ पे कई प्रकार की अनहोनी चीज़ें होती थी। उसमें से एक कहानी थी हेडलेस हॉर्समैन की, कि उसमें बोला जाता था कि भाई घोड़ा घाड़ी पे एक व्यक्ति आता है जिसका सर नहीं होता और हाथ में लालटेन होता है। इस प्रकार की चीज़ें जो है वो पहले उसमें चलती थी। अब जो है अगर आप देखेंगे मेरे से एक आप बीती चीज़ है, जो आपको बीड्स कॉलेज का चौक है वहाँ पे चुड़ैल बाउड़ी के नाम से उसको जाना जाता है, जब हम वहाँ जाते हैं तो काफ़ी अनहोनी चीज़ें जो है हमने पहले भी सुन रखी थी। पर जब हम फॉरेस्ट रोड की तरफ हम आ रहे थे तो उसमें रात के तकरीबन 12 एक बजे का समय था और आगे जो शेड वहाँ पे बना था ग्राउंड में, वहाँ पे हमें दो टिमटिमाती लाइटें दिखाई दी जो कि आपस में चल रही थी और वहाँ कोई भी व्यक्ति मौजूद नहीं था। तो इस प्रकार की जो घटना है वो मेरे ऊपर आप बीती है। एक बार जो मेरा ड्राइवर है उसके साथ भी ये घटना घटी थी। उसमें ऐसा था कि बीड्स चौक पे एक महिला जो थी उनको सफ़ेद वस्त्र में दिखी थी, पर जब वो रात को एक बजे उसको क्रॉस करके उन्होंने रेयरव्यू मिरर में देखा तो पीछे कोई भी साया नहीं था। तो इस प्रकार की घटना वहाँ की मैं जो है वो आप बीती और सुनी, दोनों मेरे साथ हुई है। शिमला में घोड़े पर सैर करने वाले भूत की कहानी पर कुछ ही लोग यकीन नहीं करते। बल्कि कई लोगों का दावा है कि उनका सामना शिमला में कई बार चुड़ैल से भी हो चुका है। शिमला में एक चुड़ैल बाउदी है। इस जगह का नाम चुड़ैल बाउदी शायद इसीलिए ही है क्योंकि लोगों के मुताबिक यहाँ एक चुड़ैल का राज कायम है जो सफेद साड़ी में कई बार लोगों को दिखाई देती है, जो लोगों के लिए खौफ का दूसरा नाम बन गई है। मेरा नाम है जी भीम बहादुर। इसका जगह का नाम है जी चिड़ैल बौड़ी है। यहाँ पे जो है रात को 12 बजे के आसपास कभी कभी देखती थी पहले, आज से पहले 8-10 साल पहले, और उसके बाद तो यहाँ अभी तक तो कोई पता नहीं जी। हम तो सुबह 9 बजे से शाम को 5 बजे तक रहते हैं, उसके बाद बंद ही रहता है जी। कि यहाँ पे पहले लैंटर होता था जी खाली, तो इसके ऊपर जो है रात को 1-1.5 बजे के करीब मतलब कि दिखती थी बली, चुड़ैल दिखती थी यहाँ पे। इसका स्थान है यहाँ पे। भूत, प्रेत, चुड़ैल से सामना होने का दावा शिमला में कई लोग करते हैं, लेकिन दावों को एकदम सटीक तो नहीं ठहराया जा सकता। लेकिन इतना जरूर है कि शिमला में कई जगह
कुछ तो बेहद अलहदा और कुछ अजीबोगरीब जरूर होता है। शिमला से सुनील परमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, MH1 न्यूज। टनल नंबर 103 में खौफनाक साया आप सभी का पीछा करता है, डर सभी को लगता है। खास पेशकश जारी रहेगी, वक्त है एक छोटे से ब्रेक का।